पुलिस अधीक्षक देवास के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के तहत जिले में रविवार को करीब एक दर्जन कंजर डेरों में आधी रात के बाद दबिश दी गई, जिसमें अलग अलग टीमें पर बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस होकर पहुंची तो बदमाश बाड़ों, खेतों और टापरों में चैन की नींद सो रहे थे। इनको दबोचने के साथ ही पुलिस ने पूरी कार्रवाई में करीब 1 करोड़ का सामान बरामद किया है। इसमें चोरी के वाहन, अवैध शराब, नकदी, आभूषण आदि शामिल है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में 400 से अधिक जवान और अधिकारी शामिल रहे। देवास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगभग 1 करोड़ रुपए का हुआ मशरूका जब्त। आखिर क्या थी ये कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई थी और इसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं। देवास एसपी संपत उपाध्याय जी हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे TV24 में। सर किस तरह की कार्रवाई थी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कल रात की। देवास जिले के कुछ गांव हैं, डेरे हैं, जहां से लोग चोरियां करते हैं और अपने जिले में, पड़ोसी जिलों में, साथ साथ देश के कोने कोने में चोरी की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं, जिसके संबंध में बाहर की भी पुलिस आती है, यहाँ पर सर्च करती है, पकड़ती भी है और अपनी पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती है। इसी तारतम्य में लगातार काफ़ी समय से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देवास की लोकल पुलिस गैदर कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी कि ऐसी प्रभावी कार्रवाई की जाए जिससे ये लोग अपराध से दूर हों और आपराधिक गतिविधियाँ छोड़ें और बाकी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करें, अपना सामान्य रोजी रोटी का काम करिए। इसके तहत आज अर्ली मॉर्निंग ये कार्रवाई की गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ देवास एसपी संपत उपाध्याय जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि 4 मुख्य आरोपी को वहां से गिरफ्तार भी किया गया है और लगभग 1 करोड़ रुपए का मशरूका जब्त किया गया है और पुलिस का ऑपरेशन प्रहार पूरी तरह से सफल रहा। प्रवीण आचार्य, TV24 देवास।